एक समय की बात है, एक जंगल में बारिश नहीं हो रही थी। सभी जानवर भोजन की कमी से पीड़ित थे। उनमें से एक गरुड़ और एक मेंढक थे, जो 3 दिनों से भोजन नहीं पा सके थे। वे दोनों एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर। दोनों ने भगवान से भोजन के लिए प्रार्थना की। गरुड़ ने कहा, भगवान कृपा मुझे भोजन दिलाइए, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसी समय मेंढक ने प्रार्थना की, भगवान आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, लेकिन पिछले 3 दिनों से मेरा पूरा परिवार भूखा है, कृपया आज मुझे भोजन दिला दीजिए। भगवान ने अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, तो उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया तथास्तु। पूरे दिन गरुड़ एक पेड़ पर बैठा रहा, भोजन की तलाश करता रहा। उस बीच मेंढक दूर जाकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और सौभाग्य से उसे बहुत सारा भोजन मिल गया। उसने पेट भर के खाया और जितना हो सकता था उसने भोजन अपने बेटे के लिए वापस ले चला। जब वो वापस आ रहा था, गरुड़ ने मेंढक को भोजन के साथ देखा। गरुड़ बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। बिना समय गवाए गरुड़ ने झपटा मारा और मेंढक को पकड़ लिया। हालांकि मेंढक के मुंह में बहुत सारा भोजन था, जिससे वो बहुत बड़ा हो गया था साइज में, और गरुड़ तुरंत भोजन नहीं खा सकता था। उस क्षण में मेंढक ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं जानता हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, मत हिलो। उसी समय गरुड़ ने भगवान से पूछा, भगवान मुझे क्या करना चाहिए, आपने मुझे भोजन तो दिया है लेकिन ये बहुत बड़ा है, मैं इसे एक बार में नहीं खा सकता। भगवान ने कहा, इसे पकड़े रहो। पूरी रात दोनों इसी तरह बने रहे। धीरे धीरे सुबह हुई। गरुड़ ने सोचा कि मेंढक मर चुका है, क्योंकि वो हिल नहीं रहा था, इसलिए उसने सोचा इसे ठीक से पकड़ लूं ताकि मैं खाना शुरू कर सकूं। जैसे ही उसने इसे ठीक से पकड़ने के लिए अपनी चोंच ढीली की, मेंढक कूद कर भाग गया। अंत में मेंढक ने अपनी जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। बोला, भगवान आपको धन्यवाद कि आपने मेरा जान बचाई। और गरुड़ ने भगवान को भोजन ना मिलने के कारण दोषी ठहराया कि बोला उसने, भगवान ये आपने क्या किया, ये आपने मुझे खाना दिया फिर आपने मेरा खाना छीन भी लिया। कभी कभी हम मेंढक की तरह काम करते हैं और कभी कभी हम गरुड़ की तरह काम करते हैं। भगवान हमेशा हमें मौका देते हैं और अंत तक प्रयास करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी हम अंत से ठीक पहले हार मान लेते हैं और अपनी सुनहरा अवसर खो देते हैं। भगवान सभी को मौके देते हैं, हमें धैर्य और लगातार प्रयास करना चाहिए ताकि हम उन अवसरों का लाभ उठा सके। जल्दी अगर हार मान लेंगे तो उन अवसरों को हम खो देंगे जो हमारे बस एक कदम दूर होते हैं।